हेलो गाइस, वेलकम टू सपोर्ट आइडिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका एप्सोन का L360 या फिर L380 का प्रिंटर है, उसमें अगर पेपर जाम का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आपका पेपर पिक कर नहीं पा रहा है, तो उसको आपको कैसे ठीक करना है मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, मेरा एप्सोन का L360 प्रिंटर है, इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है पेपर जाम का। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक पेज दे दिया, अभी मैं यहाँ पर जेरोक्स करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक जेरोक्स कर दिया है, उसके बाद ये अंदर से मूव हो रहा है। देखिए, ये देखिए साउंड कट रहा है, अंदर से मूव हो रहा है, लेकिन पेपर खींच नहीं पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को एक सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक स्क्रू है, स्क्रू को खोलना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रू को खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस स्कैनर को धीरे से खींचना है, उसके बाद आपका ये उधर से दबाना है तो आपके हाथ में स्कैनर आ जाएगा। ये देखिए खुल गया स्कैनर, खोलना है। यहाँ पर एक स्क्रू होगा, तो यहाँ पर आपको ये धीरे से प्रेस करना है, ये भी खुल जाएगा। तो ये देख सकते हो, तो यहाँ पर एक रूलर है, यहाँ पर एक रूलर है, ये रूलर के कारण से ये प्रॉब्लम आता है। अगर आपका ये रूलर ग्रिप चला जाएगा इसका, या फिर ये जाम हो जाएगा, उसके वजह से ये आपका पेपर जाम का या फिर पेपर पिक करने में ये प्रॉब्लम आएगा। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोलिक है, इसको भी खोलना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एक ढक्कन है, उसको आप प्रेस करोगे तो ये खुल जाएगा। ये देखिए, उसके बाद इस साइड का ढक्कन को भी आपको खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो नीचे नीडल है, इसको यहाँ पर आप दबाओगे इधर से, और इधर से आप दबाओगे तो खींचोगे तो ये खुल जाएगा। ये देखिए खुल गए। ये देखिए रूलर को खोलने के लिए यहाँ पर एक ढक्कन है, इसको भी खोलना पड़ेगा। यहाँ पर एक स्क्रू है, ये देखिए यहाँ पर एक स्क्रू है, स्क्रू को खोलना पड़ेगा। स्क्रू को खोल दिया, यहाँ पर इसको साइड से अगर आप प्रेस करोगे तो ये भी खुल जाएगा। ये देखिए खुल गए। तो ये जो आप देख सकते हो, यहाँ पर रूलर है एक आपका, इसको आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर एक देखिए थ्रेट है, ये देखिए थ्रेट है, इसको आपको घुमाना है। पहले इसको इधर से पूरा घुमाना है, यहाँ पर लॉक है, इसको लॉक को खोलना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर लॉक है, इसको इधर से दबाओगे तो लॉक खुल जाएगा। उसके बाद इसको घुमाने के बाद इसको पूरा सीधा करना पड़ेगा। ये देखिए पूरा सीधा हो गया इधर से। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नीडल है, ये नीडल को आपको प्रेस करना है अंदर की तरफ। उसके बाद आपको ये हल्का सा खींचना पड़ेगा। ये देखिए खुल गए। तो इसका अगर आपका ग्रिप चला जाएगा या फिर आपका यहाँ पर जाम होगा, तो ये आपका पेपर जाम का प्रॉब्लम आएगा। तो मैं आपको ये चेंज करूँगा अभी। तो देख सकते हो, ये यहाँ पर मेरे पास पहले से एक रूलर है, आप चाहे किसी भी कंप्यूटर शॉप से कर सकते हो। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इसका गियर है इसको पहले खोलना पड़ेगा, स्प्रिंग को भी खोलना पड़ेगा। यहाँ पर साइड में रख देंगे आप लोग इसको। तो जैसे आप पहले खोले थे उसको फिर से इसको फिटिंग करना है। तो यहाँ पर स्प्रिंग है, पहले स्प्रिंग को यहाँ पर लॉक में लगाना है, उसके बाद इसको अंदर इसे घुसाना है इसके अंदर, उसके बाद ये जो गियर है इसको भी इसको लगा देना है यहाँ पर। ये देखिए मूव हो रहा है, तो हम लोग इसको पहले की तरह फिट करेंगे अभी। ले चलो, तो पहले हम लोग इस लॉक को ऊपर की साइड खींच देंगे, उसके बाद इस ब्लर को सही से इसके होल के अंदर प्रेस कर देंगे तो लग जाएगा। ये देखिए लग गया, ये देखिए लग गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस रूलर का कवर है उसको भी लगा देंगे। तो आपको इसे लगा देना है, इस साइड का ढक्कन को भी हम लोग अभी लगा देंगे।
जो छोटा कवर है इसको भी हम लोग प्रेस कर देंगे तो भी लग जाएगा। ये हाइड्रोलिक है, इसको यहाँ पर लगा के उसको स्क्रू टाइट कर देना है। उसके बाद आपको ये स्कैनर को भी फिट कर देना है यहाँ पर इसको लगा के। ये देखिए यहाँ पर इसका पिन है, इसको धीरे से आपको लगाना है। स्कैनर को यहाँ पर लगा के हाइड्रोलिक में प्रेस करना है तो लग जाएगा। ये देखिए लग गया। ये ढक्कन आपको इसको भी लगाना है, इसको आप नीचे की साइड ऐसे लगाओगे लग गया। तो यहाँ पर हम लोग इसको स्क्रू को भी लगा देंगे। तो प्रिंटर को अभी ऑन करके देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम ठीक हुआ है या नहीं। हम लोग इस ढक्कन को भी फिटिंग कर दिए। अभी प्रिंटर को हम लोग ऑन करेंगे। तो मैं अभी इसको अभी जेरोक्स में दूंगा। ये देखिए मैंने जेरोक्स कर दिया। ये देखिए अभी पेपर खींच रहा है। तो ये अगर आपका ऐसे प्रॉब्लम आता है तो आप ऐसे इस प्रिंटर को सॉल्व करते कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को एक सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस।